जी नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आज का जो धरना का विषय है उसके बारे में बताइए। सर, जिस तरह से राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दिलाने का और तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता रद्द की गई है, जो कि उनके मौलिक अधिकारों का भी इन लोगों ने हनन किया है, और डेमोक्रेसी पर आज एक प्रहार है। प्रहार इसलिए है कि जिस व्यक्ति ने राहुल जी पर केस किया था, खुद ही 1 साल तक उस पर स्टे ले रखा था। 18 फरवरी को उन्होंने स्टे वैकेंट करा, 1 महीने के अंदर सजा करवा दी। तो आपको नहीं लगता, शंका नहीं होती, क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे। वो आज अडानी के किसानों की आवाज उठा रहे थे, वो आवाज उस देश के नौजवानों की उठा रहे थे जो आज बेरोजगारी से त्रस्त है, वो आवाज उन महिलाओं की बहनों को उठा रहे थे जिन पर अत्याचार हो रहे हैं। इसको दबाने के लिए कभी जेपीसी की मांग, जो डिमांड है, वो विपक्ष द्वारा की जा रही थी, उसको कैसे दबाया जाए, इसलिए ये राहुल गांधी जी को इसमें फंसाया। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो आवाज उठाता है, उसको ये पुलिस के डंडों से दबाना चाहते हैं, मुकदमे कर दबाना चाहते हैं। लेकिन इनको नहीं पता, हम गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं, राहुल गांधी की विचारधारा से हम चलने वाले हैं, हम ना डरेंगे। सब चुप हो जाओ, और जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहेगा उसको सुनना होगा। इनको बताना चाहते हैं, हम कभी नहीं झुके थे, हम उस हमारे खून में उनका, हमारे शरीर के अंदर वो खून दौड़ता है जिसने इस देश को आजाद कराया था। आगामी रणनीति क्या रहेगी सर आपकी? रणनीति यही है कि आज महात्मा गांधी जी के सामने हम बैठे हैं, सत्याग्रह हमारा चल रहा है, और आने वाले दिनों में हम पूरे तेजी से इस आंदोलन को चलाएंगे, और जो ये आवाज को दबाने का काम करते हैं, हम उतने जोरदार तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे। धन्यवाद। इस बात को लेके पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में आक्रोश है। आज इसी कड़ी में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टेच्यू के सामने, जिनका हिंसा का मार्ग था, जिन्होंने शांति प्रिय से देश को आजाद कराया था एक लाठी और नंगोटी के सारे, आज उसके मार्गदर्शन में हम सब कांग्रेसी या धरने पर बैठे हैं। बुजुर्गो नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी की रीढ़ हड्डी कार्यकर्ताओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। प्रमोद भाई बता रहे थे, षड्यंत्र के तहत गुजरात के विधायक ने ये याचिका डाली थी, और इस याचिका पे रोक भी लगी थी। मैं बताना चाहूंगा विस्तार से, जो चर्चा करना चाहूंगा, और पहले जज ने जो याचिका जिसके सामने लगाई थी, और इस विधायक ने एक बात रखी थी जज के सामने, राहुल को गुजरात को दिन प्रतिदिन बुलाओ, यहाँ पे सी लगवाओ। जज ने वो बात मानी नहीं, फिर ये याचिका दूसरे जज के पास लगाई गई, कोई कंडीशन कोई शिकायत, उस जज ने भी ये बात मानी नहीं, फिर ये केस वापिस उठाया गया एक षड्यंत्र के तहत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जज का प्रमोशन हुआ था जिसके पास अभी ये शिकायत थी। 7 फरवरी को ये शिकायत की गई। बुजुर्गो नौजवान साथियों, 1 महीने में फैसला सुना दिया, जो अधिकतम से अधिकतम सजा थी, षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को 2 साल की सजा की गई। ये सजा क्यों की गई? आपने मालूम है, 2 साल की सजा इसलिए की गई ताकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाए। ये बीजेपी का षड्यंत्र, ये तानाशाह, कांग्रेस पार्टी किसी सूरत में सहन नहीं करेगी। बुजुर्गो नौजवान, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने इसकी बीजेपी पार्टी की जो चुप्पी में आज रख दिया, जो जिस मुद्दे को लेकर ये सत्ता को हासिल कर गई थी, के धर्म को बांट के, जात पात को बांट के, राहुल गांधी ने बाढ़ जोड़ यात्रा के माध्यम से एक बात कही थी। बुजुर्गो नौजवान साथियों, मैं नफरत की दुकान बंद करने आया हूँ, चार मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, वो बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए इनकी सदस्यता खत्म कर दी, और कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आएगी, चाहे जेल भरा आंदोलन करना पड़े, चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा कुर्बानियों का रहा। महावीर जी, आज की धरना का विषय में कुछ? आज हम जो सत्याग्रह पर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, विषय ये है, कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की, उसकी सदस्यता खत्म कर दी है। ये जो घिनौना काम बीजेपी सरकार ने किया है, जो षड्यंत्र रचा है, ये लोकतंत्र की हत्या है।
ये किसी को बोलना इनको पसंद नहीं है। कोई पक्ष का नेता कोई आवाज़ बुलंद करे या देश के हित में, आपने देखा होगा अडानी को लेके काफ़ी गर्म मुद्दा है। अडानी ने एक साजिश के तहत जिस तरह SBI का पैसा, बीमा कंपनी का पैसे का दुरुपयोग किया है और देश को कर्जदार बनाने का काम किया है, तो राहुल गांधी ने राज्यसभा में अपने प्रश्न रखने का मौका नहीं दिया गया। बिल के साजिश के तहत उसको 2 साल की सजा, ये BJP के कार्यकर्ताओं का गिनौना काम है। जो भी याचिका लगाई है वो BJP का गुजरात का MLA है। तो ऐसे तो सभी नेता बोलते हैं, आप देखेंगे देश का प्रधानमंत्री जहाँ भी जनसभा संबोधित करने जाता है, चाहे किसी प्रदेश के कोने में जाओ, और नाम ले लेके कोसता विपक्ष के नेताओं को, और इतनी घिनौनी हरकत देश के प्रधानमंत्री बिल के झूठा प्रधानमंत्री साबित हुआ है। अगर कोई केस करना चाहिए तो इसके खिलाफ होना चाहिए। आज BJP के नेता हों, आप देख लें, चाहे प्रभा ठाकुर हो, चाहे गिरिराज जी हों, और चाहे और अन्य नेता हों, कितने भड़काऊ भाषण देते हैं। आप लोगों की रणनीति क्या है? रणनीति ये है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरा गुस्सा है, जो साजिश के तहत राहुल गांधी, जो एक साफ छवि के, जिनका कुर्बानी का, जिस परिवार का कुर्बानी का इतिहास रहा है, आपने देखा हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्राण निछावर कर दिए देश की एकता के लिए, राजीव गांधी ने अपने प्राण निछावर कर दिए, ये गांधी परिवार पूरा कुर्बानी का इतिहास इनका रहा है। और प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो देश की, जो उन्होंने तरक्की करने का काम किया, एक सुई भी मनती नहीं थी, बड़े बड़े कारखाने लगाने का काम किया, बड़ी बड़ी मेडिकल खोलने का काम किया, 70 साल में जो कांग्रेस ने काम किया था, आज देश के प्रधानमंत्री उसको, जो सरकारी संस्थाएं BJP के नेता उसको बेच रहे हैं, रेलवे दी, पेट्रोल देख रहे हो आप कितनी महंगाई आसमान छूगी, उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, जितने भी संस्थान थे सारे बेच तो दिए, अब अडानी को बचाने में क्यों लगे हुए? ये बात उनको पसंद क्यों नहीं आती? अडानी क्या उनका कोई रिश्तेदार लगता है? ये देश के प्रधानमंत्री ने शर्मसार होना चाहिए, अडानी के ये इतने गहरे मित्र बने हुए हैं, अडानी के एक शब्द भी वो सुनना पसंद नहीं करते। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, अगर किसी ने ऐसे घिनौने काम किए हैं, घोटाले किए हैं, तो प्रधानमंत्री ने उसका बचाव नहीं करना चाहिए, बल्कि संसद में आगे ये खंडन करना चाहिए थे प्रधानमंत्री ने, भाई मेरा अडानी से कोई रिश्ता नहीं, अगर इसी ने कोई ऐसा घिनौना, ऐसा दुरुपयोग पैसे का किया, देश के पैसे का, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और राहुल गांधी उस जिम्मेवारी को का निर्वाह कर रहे हैं, उसके खिलाफ नए षड्यंत्र रचे जाते हैं। कांग्रेस का पार्टी कभी झुके नहीं, और मैं बताना चाहूँगा, राहुल गांधी एक ऐसे निडर नेता है, ना वो कभी झुकेंगे, ना वो माफ़ी मांगेंगे, और कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आएगी। और जो मोदी सरकार ने ये जो हथियार दिया है कांग्रेस को, बना बना हथियार, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरे धरने प्रदर्शन करेगी और सबक सिखाने का काम करेगी, सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। राहुल गांधी जी की रद्द की है, उसके संदर्भ में हम सब कांग्रेस यहाँ बैठकर एक दिन का सत्याग्रह कर रहे हैं। BJP की सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, जो मोदी अडानी के मुद्दों को दबाना चाहती है, उसके खिलाफ ये आज धरना प्रदर्शन दिया गया। BJP सरकार मोदी बाबा, मोदी बाबा, अरे